लगातार बारिश की वजह से ना बैकेड में निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए देखिए बैकेड का हालत क्या हो गया है। बहुत सारे पत्ते वगैरह नीचे गिरकर पड़े हैं और बहुत सारा घास वगैरह भी हो गए हैं, क्योंकि बारिश के सीजन में ऐसा ही होता है, जितना भी साफ क्यों ना करो घास वगैरह बहुत जल्दी उग जाते हैं, तो बहुत सारे हो गए हैं। और मेरा फ्रंट यार्ड का भी हालत कुछ अच्छा नहीं है, देखिए यहाँ भी बहुत सारे पत्ते वगैरह नीचे गिरकर पड़े हैं और बहुत ज़्यादा गंदा भी लग रहा है। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, पहले मैं फ्रंट यार्ड से शुरू करूँगी, उसके बाद बैकयार्ड का भी साफ़ सफाई करूँगी। तो आज साफ़ सफाई में थोड़ा बहुत टाइम तो लगने वाला है, तो पहले मैं बाहर का साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद घर में जो भी सारे काम है उसे भी निपटाऊँगी। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स, अच्छे हैं ना? आई होप अब सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन मेरा तबीयत ना थोड़ा सा ख़राब है, मुझे थोड़ा सा सर्दी और जुकाम हो गया है। मेरा वॉइस से आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, इस सीजन में ना थोड़ा सा सर्दी जुकाम तो होता ही रहता है। लेकिन आप सब थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि इस सीजन में ना फीवर वगैरह होता ही रहता है और घर में किसी एक को हो तो बाकी लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है। खासकर बच्चों के केयर तो बहुत अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें सर्दी वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है और होने के बाद ना उन्हें फीवर होने का भी डर रहता है। तो आप सबके साथ बातें करते करते मेरा फ्रंट यार्ड का साफ़ सफाई भी पूरा हो गया है और बहुत सारे पत्ते निकले थे, तो वो सारे पत्तों को मैं इकट्ठा कर लिया है और यहाँ बैकयार्ड में भी बहुत सारे पत्ते जमा हो गए हैं, तो ये सारे पत्तों को अच्छे से मैं झाड़ू लगा दूंगी और ये सारे पत्तों को भी इकट्ठे करके रख लूँगी। तो बाहर का साफ सफाई ख़त्म करने के बाद घर का भी थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लिया था और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि कुकिंग के लिए लेट हो रहा था। तो अभी मेरा कुकिंग भी ख़त्म हो गया है, आज मैं थोड़ा सा दाल चावल के साथ रोटी बना लिया है, उसके साथ थोड़ा सा परवल की सब्जी और थोड़ा सा ड्रम स्टिक की मस्टर्ड वाला करी बनाया है। तो अभी मैं किचन का भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ और जो बर्तन वगैरह निकले हैं बहुत सारे बर्तन को भी अच्छे से साफ़ करके रख लूँगी। तो ये देखिए मेरा परवल की सब्जी और उसके साथ ये मस्टर्ड वाला ड्रमस्टिक की सब्जी, तो ये दोनों अच्छे से हो गया है। दाल चावल तो मैं पहले से बना लिया था और रोटी भी बना लिया था, तो अभी ये सारे बर्तन को भी अच्छे से साफ़ करके रख लूँगी। उसके बाद घर में और भी बहुत सारे काम है, उसे भी ख़त्म करूँगी। तो आज थोड़ा बहुत डेली वेयर के कपड़े थे, तो ये सारे कपड़ों को मैं आज बाहर ले आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा है तो इसीलिए मैं हाथ में साफ़ कर लूँगी, वॉशिंग मशीन नहीं चलाऊँगी, तो इस वजह से बाहर ले आई हूँ और यहाँ मैं अच्छे से कपड़ों को साफ़ करके धूप में डाल दूँगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा सा अच्छा धूप निकला है, तो ये सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। इतने दिनों से ज़ोर से बारिश हो रहा था तो बाहर कपड़े नहीं डाल पा रही थी, लेकिन आज अच्छा धूप निकला है तो ये सारे कपड़े ना बहुत जल्दी सूख जाएंगे और देखते हैं धूप कब तक रहता है। अभी ना वेदर का कोई भरोसा नहीं, कभी धूप निकल जाता है तो कभी अचानक बारिश भी हो जाता है, लेकिन आज आसमान तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो देखते हैं कब तक धूप रहता है और मैं ये सारे कपड़ों को कब तक यहाँ डाल पाती हूँ।
सुबह हस्बैंड कुछ सब्जी वगैरह लेकर आए थे, तो ये सारे सब्जी को अच्छे से धोकर मैं यहाँ फैला दिया है, और अच्छे से सूख जाने के बाद मैं ये सारे सब्जी को फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी। तो मॉर्निंग का सारा काम निपटाने के बाद मैं सॉल लेके आ गई थी, पूजा वगैरह भी खत्म कर लिया है और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है, वो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पेंड कर लेते हैं, होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं मेरे और एक न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।